जय श्री ओम नमः शिवदेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग छठवां अध्याय देख रहे थे, आश्रव तत्व का अधिकार, किन किन कर्मों का कैसे कैसे आश्रव होता है, हम क्या करते हैं जाने अनजाने में या जानबूझकर के कि हमें कौन सा कर्म का आश्रव हो जाता है और फिर उसके कर्म के फलों को हमको भोगना पड़ता है। हम यहाँ पर अभी जो कर्म के आश्रव को देख रहे थे वो दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के बारे में समझ रहे थे। मोहिनी कर्म के दो भेद पड़े थे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के आश्रव के क्या क्या कारण हैं इसको अपन ने 13वें नंबर के सूत्र में देखा था कि केवली सुत संग धर्म देव आदि का अवर्णवाद करना। अवर्णवाद का मतलब होता है झूठा आरोपण करना, झूठा दोष लगाना, जो दोष उनमें है ही नहीं फिर भी हम अपने स्वार्थ के कारण या अपनी कषाय के कारण, आग्रह दुराग्रह हटाग्रह के कारण उसमें उनको दोष लगा करके लोगों को बताना या समझना, ऐसा आरोप झूठा आरोप लगाना ये अवर्णवाद कहलाता है। और इस अवर्णवाद के कारण हमारे लिए दर्शनावरणी कर्म दर्शन मोहिनी का आश्रय होता है और जिसके कारण फिर हमारी जो श्रद्धा है वो सम्यक नहीं बन पाती है, हमारी श्रद्धा सदा विपरीत रहती है, अज्ञानता की श्रद्धा बनी रहती है, हमें ज्ञान हमारे पास उजागर नहीं हो पाता है, हम अपने आप को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो आइए हम इसको और आगे समझते हैं सूत्र के लिए, उसके पहले हम बोर्ड के माध्यम से सूत्र का एक बार अध्ययन अवलोकन कर लेते हैं फिर इसके अर्थ को समझते हैं। षष्ठम अध्याय में सूत्र नंबर 13 लिखा हुआ है, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। क्या कह रहे हैं, केवली एक, श्रुत दो, संघ तीन, धर्म चार और देव पांच, इनका अवर्णवादो, संधि निकलेगी यहाँ पर, अवर्णवादो, इनका अवर्णवाद करना, इन पर झूठा आरोपण करना ये दर्शन मोहस्य दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण होता है। अपन ने देखा था कल केवली के बारे में कि केवली में जो दोष नहीं है और वो दोष बताना, जैसे केवली कबलाहारी करते हैं, भोजन करते हैं केवल ज्ञान के बाद भी, इस प्रकार का उन पर आरोप लगाना। और श्रुत के बारे में कल थोड़ा बहुत देखा था, आज और देखते हैं कि किस किस प्रकार से लोग श्रुत पर अवर्णवाद करते हैं। जो श्रुत होता है भगवान की वाणी होती है, जो भगवान ने कहा है उसे गणधर अपनी बुद्धि के द्वारा जिसे लिखते हैं रचते हैं उसे श्रुत कहते हैं। अब ऐसे श्रुतों का आश्रय लेकर के कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अवर्णवाद करे कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, जो लिखा नहीं है फिर भी उसको कहना ऐसा लिखा है। देखिए शास्त्र में हमेशा मांस भक्षण अवक्ष आदि का निषेध बताता है, वो कभी नहीं कहता है कि तुम्हें मांस भक्षण आदि करना है, वो कभी नहीं कहते हैं शास्त्र कि तुम्हें अवक्ष या रात्रि भोजन तुम्हारे लिए छूट है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती अपनी कषाय के कारण अपनी कषाय की पुष्टि करने के कारण आप यह कहो कि नहीं शास्त्र में ऐसा कहा है, कथनचित कभी ऐसा हो सकता है तो ऐसा कर सकते हैं ले सकते हैं। रात्रि भोजन का मतलब क्या है, चारों प्रकार के आहार का त्याग, इसका नाम है रात्रि भोजन। और हम लोग उसका क्या अर्थ निकालते हैं कि नहीं शास्त्र में अनाज खाने के लिए मना करा है, बाकी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। अरे जल की बूंद भी ले ली तो वो रात्रि भोजन ही है,
समझ में आया ना, एक जल की बूंद भी अति जाती है तो वो रात्रि भोजन का दोष लगता है, ऐसा शास्त्र कहता है, क्योंकि चारों प्रकार के आहार का त्याग है। लेकिन हम अपने स्वार्थवश, नहीं नहीं हमने कहीं पढ़ा है, नहीं हमने कहीं सुना है, नहीं कि हमने देखा है, इस प्रकार का झूठा आरोपण किस पर लगा दिया आपने, भगवान की वाणी पर। इससे क्या होगा, दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होगा, हमें कभी भी सच्ची श्रद्धा प्रकट नहीं होगी, फिर हम मिथ्या श्रद्धा, क्योंकि आपके अंदर धारणा बैठ गई और आपने दूसरों की बुद्धि भी खराब की, दूसरे की श्रद्धा भी खराब की, यदि उसके अंदर ऐसी अज्ञानता बैठ जाए तो सोचिए उसका कितना समय संसार में लग जाएगा, वो भटकता रहेगा, वो दुखी रहेगा, उसे सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा। पता है आपको, दर्शन मोहिनी जो आश्रव है उसकी जो उत्कृष्ट स्थिति होती है वो 70 कोड़ी सागर होती है। कितनी, 70 कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो 70 × 1 कोड़ी, तो सोचिए कितना हो गया, नील में चला गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, तो इतना वहाँ तक पहुँच गया, 70 नील तक पहुँच गया, बताइए। और उसमें भी पीछे क्या लगा है, सागर। सागर का प्रमाण बहुत होता है, बहुत बड़ी अवधि होती है, एक सागर कितना बड़ा होता है, ये मैंने पहले आपको बताया है 3रे-4थे अध्याय में, फिर भी आप लोग इसे ऐसा समझ लिए कि एक सागर क्या है, जैसे कि अपने अंजलि से समुद्र का पानी खाली करना, पूरा जीवन क्या कितने अनंत जन्म लग जाएंगे तुम्हें खाली करने में उसको, समुद्र को, या चिड़िया अपनी चोंच से समुद्र को खाली करे कितना समय लग जाए, कितनी पर्यायें लग जाएंगी उसकी, उसे कहते हैं एक सागर का टाइम, समय। और ऐसे 70 कोड़ी सागर यदि किसी ने मिथ्यात काल में, मिथ्या दृष्टि ही ध्यान रखना, ये उत्कृष्ट बंद 70 कोड़ी का करता है, सम्यक दृष्टि तो कर ही नहीं सकता है, तो मिथ्या दृष्टि जो है ऐसा बंद करता है 70 कोड़ी सागर का, कि उतने काल तक उसे सच्चे भगवान, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र देखने, सुनने, पढ़ने को नहीं मिलेंगे। सोचिए इतने काल तक कितने वो जन्म ले लेगा, और जन्म लेकर के वो संसार में दुखी रहेगा, क्योंकि जब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, सच्चे ज्ञान के अभाव में ही व्यक्ति दुखी होता है। ज्ञान समानना आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को सुख दे सकती है, अन्यथा वो दुखी ही रहेगा। जैसे मेरे अंदर धारणा बैठ गई कि ये व्यक्ति मुझे दुखी देता है, ऐसी मेरे अंदर धारणा बैठ गई तो अब मैं सुखी कभी नहीं हो सकता, मेरे अंदर मन में हमेशा रहेगा इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसके कारण मैं दुखी हूँ, इसके कारण दुखी हूँ। यदि मुझे ज्ञान मिल जाए कि तुम इसके कारण दुखी नहीं हो, इसके कारण जो तुम्हारा राग और द्वेष है वो तुम्हें दुख दे रहा है, तो अपने राग द्वेष दूर करो, अपने आप ऑटोमेटिक तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तो तुमको ज्ञान मिल गया, सच्चा ज्ञान मिल गया, तुम सुखी हो जाओगे। पर ऐसा सच्चा ज्ञान जब तक तुम्हारा दर्शन मोहिनी कर्म का उदय चलता रहेगा तो तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाला व्यक्ति भी नहीं मिलेगा, और मिल भी गया और तीव्र उदय चलेगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम मानोगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, दुख तो वही देता है, वही हमको दुखी सुखी करता है। इस प्रकार से यहाँ पर अवर्णवाद करने का ये फल है, ध्यान रखना। तो कभी भी इस प्रकार से अपनी कषाय की पुष्टि करने के लिए ऐसा आश्रय हमें नहीं करना है। तो श्रुत का अवर्णवाद, हम कभी कभी पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, एक दो पुस्तकें पढ़े होते हैं या कहे सुने होते हैं, और हम बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं कि नहीं शास्त्र में ऐसा आया है, पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है, जैन धर्म में ऐसा लिखा हुआ है। आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, क्या मुनि का स्वरूप होता है, क्या परमात्मा का स्वरूप होता है, क्या धर्म का स्वरूप होता है, लेकिन फिर भी आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसे समझाने लगते हैं जैसे कि आपसे बड़ा कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई ज्ञानी हो ही ना। तो इससे क्या होता है, कोई ना कोई बात आपकी झूठी हो जाती है, और जब आपको लगता है कोई बात झूठी होने वाली है और झूठी हो चुकी है, और कोई व्यक्ति शास्त्र बताने के लिए भी तैयार होता है कि नहीं देखो गुरु महाराज ने ऐसा बताया था, शास्त्रों में ऐसा लिखा था, फिर भी आप उसमें झुकते नहीं हो, नहीं मैंने जो कहा वही सही है, ये अवर्णवाद है, ये अवर्णवाद है, झूठा आरोपण है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्ते आचार्य श्री, अभी आपने हमें अवर्णवाद के बारे में बताया, मेरी उससे समक्ष आपसे एक शंका है जिसका मैं समाधान चाहती हूँ। जैसे हम मंदिर जी में जाते हैं, पूजा पाठ आरती करते हैं, ये सब क्रिया तो सब उसके लिए कहते हैं कि ये सब क्रियाकांड है, तो इसके अंदर भी हमें अवर्णवाद का दोष लगता है क्या?
देखिए भगवान महावीर स्वामी की वाणी जो है वो स्यादवाद वाणी है और हमें हमेशा स्यादवाद से ही कथन करना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा है कभी स्वच्छंदता से कभी भी किसी बात को बोलना नहीं चाहिए, यदि बोलते हैं तो इसमें भी अवर्णवाद का दोष लग जाता है। तो देखिए कोई व्यक्ति इस प्रकार से कथन करता है कि तुम पूजा पाठ करते हो, आरती करते हो, अभिषेक करते हो, इन सब में क्या रखा है, ये तो सब क्रियाकांडी हैं, व्यवहारी हैं, इससे कोई थोड़ी कर्म की निजरा होना है, कोई मोक्ष थोड़ी मिलना है। मोक्ष तो आत्मा को ध्यान करने से, आत्मा को जानने से, आत्मा में रमने से, आत्मा में जमने से मोक्ष मिलता है। देखिए जो आप कह रहे हैं वो कथन भी सही है, जो व्यक्ति वो कर रहा है वो भी सही है, गलत दोनों नहीं हैं। लेकिन यदि हम एकांत पक्ष इस प्रकार से कहते हैं कि ये सब गलत है तो निश्चित ही आपको अवर्णवाद का दोष लगता है। व्यवहार और निश्चय दो दृष्टियां हैं आगम की, यदि आगम को जानना है तो हमें दोनों दृष्टियों से देखना चाहिए। व्यवहार और निश्चय कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, व्यवहार भी निश्चय का कारण होता है। ध्यान रखना अशुभ कभी शुद्ध का कारण नहीं होता है, शुभ ही शुद्ध का कारण होता है। आप अशुभ से शुद्ध नहीं जा सकते हैं लेकिन शुभ से शुद्ध जानने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आप भगवान की भक्ति करते करते यदि अपने में लीन हो गए तो शुद्ध में जाने का कारण है। इसी प्रकार मुनिराज लोग 28 मूलों का पालन करते हैं तो वो शुभ क्रियाएँ हैं और वो भी क्रियाकांड हो जाएंगी, फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो शुभ करते करते वो शुद्ध में जाने के उनके पास बहुत चांस हैं। जो व्यक्ति नदी में तैर रहा है तो तैरने वाला व्यक्ति डुबकी लगा सकता है लेकिन जो बाहर व्यक्ति बैठा हो वो डुबकी नहीं लगा सकता है। इसी प्रकार जो शुभ कार्य में लगा हुआ है वो अंदर जा सकता है, वो अपने में आत्मस्थ हो सकता है क्योंकि उसके पास रास्ता है। लेकिन जो घर में लगा है, ग्रस्त जीवन में लगा है, पाप के क्रियाओं में लगा है, वो एकदम से अंदर नहीं जा सकता है। इसलिए कभी भी इस प्रकार से कह करके अवर्णवाद नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को मिथ्यात् का दोष लगता है। दर्शन मोहिनी का आश्रय का आश्रय होता है, ध्यान रखना। कभी भी आप इस प्रकार से एक पक्ष का निर्णय मत दें। जो व्यक्ति एक पक्ष का निर्णय देता है वो नियम से दर्शन मोहिनी का आश्रय करता है, ऐसा शास्त्र कह रहा है, श्रुत का अवर्णवाद है। क्या श्रुत में दोनों बात नहीं आई हैं? दर्शनम देव देवस्य नहीं आया है? क्या भगवान के दर्शन करना श्रुत में नहीं आया है? क्या देव पूजा श्रावक के षट कर्तव्य में क्या भगवान की देव पूजा करना नहीं आया है? तीर्थों की वंदना करने नहीं आया है? अरे वंदना भी आई है, स्तुति भी आई है, आराधना भी आई है, मुनिराज को आहार दान देना भी आया है और अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करना भी आया है, आरती उतारना भी आया है। सब कुछ तो शास्त्र में है, सब कुछ तो जिनागम में है। जिनागम एक पक्ष का नहीं होता है, चार चार अनुयोग हैं, उन चारों अनुयोगों को स्वीकार करना चाहिए। गाय के चार थन हैं तो चारों थन से दूध ही निकलता है, किसी से पानी निकल रहा हो, किसी से ब्लड निकल रहा हो, ऐसा नहीं है, चारों ही थन से दूध निकलता है जो ग्रहण करने योग्य होता है। ऐसे ही चार हमारे यहाँ अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग हैं और चारों अनुयोग ही ग्रहण करने योग्य हैं। अपने अपने स्थान पर चारों अनुयोग की अपनी अपनी महत्वपूर्णता है। जब हम अशुभ में प्रवृत्ति करते हैं तो उस समय शुभ प्रवृत्ति के लिए चार जो चरणानुयोग है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जीव दया का भी भाव नहीं आ पाएगा, हम देख के चलते फिर क्यों चलेंगे। चरणों का पालन नहीं करेंगे, जब दया करुणा है तभी तो हम देख के चल रहे हैं, तो हम जीव मानने को तैयार ही नहीं होंगे। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से न जीव मरता है, न जीव जिंदा होता है, न जीव का जन्म है, न जीव का मरण है, तो फिर ऐसी देख के चलो ना। क्यों? क्योंकि द्रव्यानुयोग तो कह रहा है कि जीव तो अजर अमर है, तो लेकिन चरणानुयोग कहता नहीं, हमारे द्वारा प्रमाद होने पर, आलस्य होने पर उसके प्राणों का वियोग होता है, उसके प्राणों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, यदि नहीं करते हैं तो वो द्रव्य हिंसा है, उससे पाप का आश्रय होता है। महानुभाव प्रथमानुयोग अपनी अलग प्रेरणा देता है, चरणानुयोग एक अलग कार्य करता है,
करणानुयोग एक अलग कार्य करता है, सबकी अपनी 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 भूमिका में उसका उपयोग है, सदुपयोग है। यदि हम किसी को एक वस्तु को मना करते हैं तो हमें फिर दर्शन मोहिनी कर्म का क्या होता है, आश्रव होता है। इस प्रकार हमें अवर्णवाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि क्रियाकांड है, ये तो ढकोसला है, इसमें क्या रखा है, इससे कौन कुछ मुक्ति मिलने वाली है, मोक्ष थोड़ी मिलने वाला है, ऐसा कहने वाले महामिथ्या दृष्टि हैं, वो सरासर भगवान महावीर स्वामी के विरोधी हैं। भगवान महावीर स्वामी के लिए साक्षात वो विरोध करने वाले व्यक्ति हैं, और जो ऐसा विरोध करता है तो उनकी वाणी को विरोध करने वाला महावीर का विरोधी है। वो जिन शासन का भक्त नहीं हो सकता, जिन शासन का प्रचारक नहीं होता है, वो अनुयायी नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना, इस सूत्र के अनुसार तो उसको दर्शन मोहिनी का आश्रय नियम से होगा ही होगा। नमोस्तु चर्चरी, हमें कोई प्रतिमा नियोग ग्रंथ पढ़ने से मना करता है कि इसमें कहानियाँ हैं, तो क्या इसमें भी श्रुत अवर्णवाद का दोष लगता है क्या? बिल्कुल, नियम से श्रुत का अवर्णवाद लगता है। कोई लोग इस प्रकार से कहें कि इनको मतलब कहानियाँ हैं, किस्से हैं, इन कहानी किस्सों को पढ़ने से क्या होगा, राग द्वेष तो ही बढ़ता है, या तो राग बढ़ेगा या द्वेष बढ़ेगा, तो कहानी किस्से पढ़ने से हमारा तो आश्रय ही होता है, पुण्य आश्रय होगा या पाप आश्रय होगा, हमें आश्रय तो करना नहीं है, हमें तो आत्मा को जानना है, आत्मा को समझना है। महानुभाव, यदि आप इस प्रकार से कहते हैं तो निश्चित ही आप क्या कर रहे हैं, महापुरुषों के प्रति अपनी अवहेलना कर रहे हैं। ये आपकी अज्ञानता है, ये आपका अविनय है, इस बात का ध्यान रखना। इस श्रुत के अनुसार श्रुत में जो कुछ भी कहा है, मतलब मोक्ष मार्ग संबंधी जो बातें कही गई हैं, यदि हमें उसमें किसी भी प्रकार की शंका भी आती है, संशय भी होता है, संशय भी अनेक प्रकार का हो सकता है कि महापुरुष हुए हैं नहीं हुए हैं, इनका चरित्र ऐसा था नहीं था, इस प्रकार का भी हमें संशय यदि आता है तो उस संशय भेद से भी हमें मिथ्यात्व का दोष लगता है। इसलिए दर्शन मोहिनी का आश्रय हमें नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। और कभी भी ऐसे मत कहना, अरे आदिनाथ भगवान की लिखा है कि चारित्र पढ़ने से हमारे अंदर चारित्र प्रकट होता है, प्रेरणा मिलती है। जैसे हम स्वाध्याय करते हैं प्रथमा नियोग का, तो किसने किस पाप का फल क्या किया था, तो पाप का फल उसे क्या मिला, किसी व्यक्ति ने पुण्य किया था तो उसके पुण्य का फल क्या प्राप्त हुआ, कितनी वह दुर्गति में गया या सुगति में गया, इसकी हमको प्रेरणा मिलती है। हम बुरे कार्य से बचते हैं पर अच्छे काम में लगते हैं। देखिए, शास्त्र पढ़िए, पुराण पढ़िए, किसने कैसे कैसे कर्म किए उसको क्या क्या फल मिला, सीता ने क्या कर्म किया तो उसे क्या फल की प्राप्ति हुई, अंजना ने क्या कर्म किया तो उसे क्या फल, 16 सतियों को उठा के देखिए, अन्य भी महापुरुषों के देखिए, आदि कुमार को अभी अक्षय तृतीया गई, उसमें क्या हुआ, महामुनिराज अवस्था में उनको 6 महीने तक आहार नहीं मिला, कौन सा पाप किया था, कौन सा ऐसा उपदेश दिया था जिससे उनको आहार आदि की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो भी कर्म का उदय था। हमको प्रेरणा मिलती है, लाइफ प्रेरणा मिलती है। जितना प्रथमानुयोग के पढ़ने से व्यक्ति अपने आप को संभाल सकता है, इतना अन्य ग्रंथों से लगता मुझे संभालना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हमें सब जो ग्रंथ हैं, जो अनुयोग हैं, चारों ही ग्रंथ जो हैं हमारे लिए मोक्ष मार्ग में साधक हैं। आप द्रव्यानुयोग जो ग्रंथ है, कर्णानुयोग जो ग्रंथ है, उसको समझने के लिए भी आपको प्रथमानुयोग में जाना पड़ेगा। बिना कहानी किस्से से कोई द्रव्यानुयोग समझ सकता है, अध्यात्म समझ सकता है, बिल्कुल नहीं। कुंद आचार्य स्वामी को भी समय सार में 80 दृष्टांत देना पड़े, 80 दृष्टांत देना पड़े आत्मा को समझाने के लिए। सोचिए, बिना दृष्टांत से, बिना कहानी किस्से से कुंद स्वामी भी आत्मा को समझा नहीं पाए, तो सोचिए कितनी आवश्यकता है इन प्रथमानुयोग के शास्त्रों की भी। तो महानुभाव, यदि इस प्रकार से हम कहते हैं क्या रखा कहानी किस्सों में, हमें तो अच्छा लगता नहीं है, श्रृंगार भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, अनेक प्रकार के दोषारोपण लगा देते हैं। आपको पता भी है महाकाव्य किसे कहते हैं? अरे महाकाव्य उसे कहते हैं जिसमें सारे रस हों, सभी रस हो, श्रृंगार रस भी हो, वीर रस भी हो, हास रस भी हो, विवस्त रस भी हो, सारे के सारे उसमें रस हों। एक महानायक होना चाहिए इस महाकाव्य में,
एक महानायक हो, सारे रस उसके अंदर हो और उसमें भी श्रृंगार रस जो है वो 50% हो, अलंकार रस है जो 50% हो, ऐसा वो महाकाव्य कहलाता है। रुचिकर होना चाहिए, जो भोगी लोग भी हैं उनको धर्म ध्यान में लग जाएं, ऐसा वो रुचिकर होना चाहिए। तो ऐसा महाकाव्य लिखा जाता है और हम उसको पढ़ के बोल देते हैं कि उसमें तो ऐसा लिखा है, पढ़ने लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसमें तो संहार भरा हुआ है, मन विचलित हो जाता है, पढ़ना नहीं चाहिए। और तो ये सब क्या है, अवर्णवाद, साक्षात श्रुत का अवर्णवाद है, दर्शन मोहिनी का आश्रव का कारण है। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार से श्रुत का आवरणवाद हो जाता है हमारे द्वारा और हम उसको जान नहीं पाते हैं, वस्तु है नहीं है, आत्मा है नहीं है, इस प्रकार से ऐसा संशयात्मक बात कही गई है और ऐसा सस्यादवाद से घटित नहीं होता है। अनेक प्रकार के भगवान की वाणी पर दूषण लगाना, आत्मा तो जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो नहीं सकती है, वो तो इंद्रियों से सहित जानती है, बिना इंद्रियों के वह जान भी नहीं सकती है, वो ज्ञान शून्य आत्मा हो जाती है, उसको मन रहित आत्मा होने पर वह आत्मा आत्मा नहीं कहला सकती है। ऐसे कितने प्रकार के, आपको पता है आत्मा की मीमांसा कितनी हुई है, जितने संसार में ये मत प्रकट हुए हैं वो एक आत्मा को लेकर तो हुए हैं। और आत्मा की चर्चाएं, कोई कहता आत्मा नित्य है, कोई कहता है अनित्य है, कोई कहता है व्यापक है, कोई कहता है शून्य है, कोई कहता है ज्ञानवान है, तो इस प्रकार से कितनी प्रकार की आत्माओं की चर्चा सभी मतों में कही गई हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने सभी को स्यादवास से घटित किया, सभी को अनेकांतवास से घटित किया। और कोई इस स्यादवाद को कहे नहीं, ये स्यादवाद तो कैसा है, शायदवाद है, शायद ऐसा, शायद वैसा, ऐसा भी सही है, वैसा भी सही है, अरे शायदवाद नहीं है, ये पक्का सिद्धांत है। स्यादवाद का मतलब होता है किसी वस्तु का जब वर्णन करते हैं, एक की मुख्यता करते हैं और दूसरे को गौण करते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा भी है ऐसा भी है, वो गौण करते हैं, कथन करने में गौण हैं। वस्तु में तो एक समय में दोनों ही नित्यानित्य एक साथ ही रहते हैं, इस प्रकार से ध्यान रखना, उसको संशयवाद कहना, उसको स्यादवाद कहना, तो इस प्रकार से कह करके अवर्णवाद होता है। नमोस्तु आचार्य श्री, शास्त्रों में बहुत सारी सूक्ष्म ऐसी बातें हैं जो हमें समझ नहीं आती, उनको देख के लगता है क्या ऐसा सच में होता होगा, क्या ऐसा मन में संशय आना भी अवर्णवाद है? बिल्कुल निश्चित ही शास्त्रों में बहुत ही सूक्ष्म बातों का भी कथन किया गया है जो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप करणन योग ग्रंथ में जाएंगे तो उसमें इतनी सारी बातें हैं सूक्ष्म की, जो सिर्फ हम शब्दों से व्याख्यान कर सकते हैं पर उसको हम अनुभूत नहीं कर सकते हैं, दृष्टिगोचर नहीं है, तो उसमें हमारे मन में अनेक संशय पैदा हो जाती हैं। देखिए, नहीं समझ में आने पर हमें शंका आए कोई बात नहीं, जिज्ञासा प्रकट हो कोई बात नहीं, जानने की इच्छा रखना, समझने की इच्छा रखना एक अलग बात है, क्योंकि आपके अंदर पहले तो ये होना चाहिए कि जो वाणी है भगवान की वाणी है, सूक्ष्म है, मेरे ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उसे समझने के लिए विद्वानों से चर्चा या गुरुओं से चर्चा या अनेक प्रकार से मैं बार बार पढ़ने की अन्य ग्रंथ से खोजने की कोशिश करता हूँ, ये जिज्ञासा है, ये शंका है, ये संशय नहीं है। लेकिन तुम्हारे मन में इस प्रकार से आ जाए यार कि बात कही है सही है भी नहीं भी, या लिख दिया, या ऐसा हो भी सकता है क्या, एक निगोस शरीर में अक्षय अनंत राशि, उसमें से एक निगोस शरीर भी खाली नहीं हुआ अभी तक, जितने सिद्ध बन जाए और आगे भी बनते जाएंगे तब भी वो शरीर खाली नहीं होगा, इतने अनंत अनंत जीव हैं, अरे ये सब बेकार है, ऐसा कुछ थोड़ी होगा, तो संशय है। तो ऐसा संशय कहना कि ऐसा संशय बना रहना, ये तो अवर्णवाद है, भगवान की वाणी पर आपको आरोप लग रहा है, तो ये संशय जो है मिथ्यात्व है। लेकिन जिज्ञासा, कैसे हो सकता है, इसका हो सकता है, तो उसको समझना चाहिए, भगवान ने कहा है तो कहीं ना कहीं सत्य तो है, झूठ तो हो नहीं सकता है, मुझे समझना चाहिए विद्वानों से, मुझे और खोज करना चाहिए, वो जिज्ञासा है।
उसमें कोई अवर्णवाद नहीं है, लेकिन मन में ये आ जाए कि हो है या नहीं है, स्वर्ग हैं या नहीं है, नरक हैं या नहीं है, मोक्ष मिलता भी है या नहीं मिलता है, ये व्रत उपास आदि करने से कर्म की निद्रा होती भी है नहीं होती है, कर्म होते भी हैं कि नहीं होते हैं, इस प्रकार का भगवान तो बोलते कर्म का फल मिलता है, वो व्यक्ति पाप कर रहा है कहाँ फल मिल रहा है, कुछ नहीं है, इस प्रकार से ऐसा संशय प्रकट हो जाना ये निश्चित ही भगवान की वाणी के प्रति अवर्णवाद है। और हमें इसका श्रुत अवर्णवाद होगा, दर्शन मोहिनी का आश्रय नियम से होगा ही होगा। इस प्रकार अपन ने देखा किसी भी प्रकार से भगवान की वाणी पर यदि हम झूठा आरोपण लगाते हैं, संशय बनते हैं, अज्ञानता बनी रहती है, तो उससे दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय नियम से होगा ही होगा। इस प्रकार से इस अवर्णवाद को अपन ने समझा, शेष विषय कल समझेंगे। आइए हम सब लोग जनवाणी स्तुति को करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बीच तत्वार सूत्र जी की द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।